हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। जहां बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी की, वहां स्पर्म काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पर्म का एग को फर्टिलाइज करना प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है। लेकिन अगर पुरुषों में यही स्पर्म काउंट कम हो जाए तो उन्हें कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लो स्पर्म काउंट को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके और साइंस की बात करेंगे और इस समस्या से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में कदम रख चुके हैं या एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही में एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ और बहुत कुछ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What is sperm count? तो सबसे पहले समझते हैं कि sperm count क्या होता है। sperm count एक मेल के सीमेन में मौजूद sperm की संख्या होती है। ये sperm egg को fertilize करके pregnancy में मदद करती है। आम तौर पर एक normal sperm count 15 million से लेकर 200 million per milliliter तक होता है। 10 signs of low sperm count in men। अब बात करते हैं 10 ऐसे साइंस के बारे में जो इंडिकेट कर सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है। नंबर 1, इनफर्टिलिटी इश्यूज। सबसे पहला लक्षण है इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन में प्रॉब्लम होना। अगर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी आपका पार्टनर को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट कम हो गया है। नंबर 2, लो सीमेन वॉल्यूम। दूसरा लक्षण है सीमेन वॉल्यूम का कम होना। कम सीमेन वॉल्यूम का मतलब है कि सीमेन में स्पर्म की कमी है। अगर आपका सीमेन नॉर्मल से कम दिख रहा है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है। नंबर 3, इजैक्युलेशन प्रॉब्लम्स। तीसरा लक्षण है सीमेन का रिलीज होना या इजैक्युलेट करने में इशू होना। अगर आपको इजैक्युलेशन में दिक्कत होती है या सीमेन जल्दी ही रिलीज हो जाता है तो ये भी स्पर्म काउंट कम होने का एक लक्षण हो सकता है। नंबर 4, लो सेक्स ड्राइव। सेक्सुअल इंटरकोर्स की कम इच्छा होना या सेक्स ड्राइव का कम होना भी एक लक्षण हो सकता है। नंबर 5, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर सकता है। नंबर 5, टेस्टिकुलर पेन और स्वेलिंग। टेस्टिकल्स में दर्द या स्वेलिंग होना भी स्पर्म काउंट की समस्या का एक संकेत हो सकता है। इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 5, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल लेवल्स में इम्बैलेंस भी स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर सकता है। हार्मोन लेवल्स का बढ़ जाना या कम होना भी लो स्पर्म काउंट का एक लक्षण हो सकता है। नंबर 8, रेकरेंट इन्फेक्शंस। बार बार होने वाले इन्फेक्शंस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी स्पर्म काउंट को कम कर सकते हैं। नंबर 9, पेन ड्यूरिंग इजैक्युलेशन। इजैक्युलेशन करने के समय दर्द होना भी लो स्पर्म काउंट का एक लक्षण हो सकता है। नंबर 10, वैरिकोसल। वैरिकोसल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो स्पर्म काउंट को कम कर सकती है। इसमें टेस्टिकल के वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो स्पर्म काउंट? आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। इन रीजंस में वेरिकोसेल जैसी प्रॉब्लम्स या फिर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। साथ ही लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, स्ट्रेस और ओबेसिटी भी स्पर्म काउंट को कम कर सकते हैं। How to prevent low sperm count? अब आते हैं उन उपायों की तरफ जो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए या स्पर्म काउंट लो होने से प्रिवेंट करने के लिए काम आ सकते हैं। नंबर 1 इज हेल्दी डाइट। एक न्यूट्रिशियस डाइट खाएं जो विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। विटामिन सी, डी, जिंक और सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मददगार होते हैं। नंबर 2 इज एक्सरसाइज रेगुलरली। रोजाना एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज्ड रहने से हार्मोनल बैलेंस भी प्रॉपर रहता है और वेट भी मेंटेन रहता है। नंबर 3 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कम करें क्योंकि अधिक स्ट्रेस भी स्पर्म काउंट को कम कर सकता है। मेडिटेशन और योगा से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। नंबर 4 इज अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से बचें क्योंकि ये स्पर्म काउंट को कम कर सकता है। नंबर 5, मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड BMI। BMI को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ओबेसिटी भी स्पर्म काउंट को कम कर सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्पर्म काउंट कम होने के कुछ लक्षण कैसे होते हैं और कैसे आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप या आपके पार्टनर किसी को भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन्हें तुरंत फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आती रहे।